एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अमृतसर से हैं कश्मीर कौर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैडम जी, मैंने कल आपका प्रोग्राम देखा था शाम 3-4 बजे के बीच में, तो हाँ। तुरंत कॉल लगाई थी। तो डॉक्टर साहब ना, पहले भी मैं दवाई ली थी, मेरे को आराम पड़ गया था। टी केयर एस केयर ली थी, काफी देर हो गई है। तो अब मेरे को आंखों की प्रॉब्लम आई हुई है, मेरे को दिखाई नहीं देता। चर्बी बहुत डॉक्टर साहब ने बताई है, बाहर निकलती तो सफेद सफेद दिखाई देता है, आगे ऐसे रास्ता बंद है, घर में हूं तो अंधेरा दिखाई देता है। क्या इस बीमारी का इलाज है आपके पास कोई? शुगर है क्या आपको? आपको क्या डायबिटीज है मैम? हाँ जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज है। ठीक है, देखिए डायबिटीज को कंट्रोल करें। किसी किसी की हाँ जी डायबिटीज आंखों पर वार करती है, किसी की दिल पर वार करती है और किसी की जिस्म पर वार करती है। तो आपकी डायबिटीज ने आंखों पर वार करना शुरू कर दिया। जो भी दवा लेते हैं डायबिटीज की, वो लेते रहें। और जैतून का सिरका सुबह शाम 2 या 3 चम्मच पानी में मिला कर लें, 1 गिलास पानी मिला कर लें। ये आपकी डायबिटीज़ को स्थिर करेगी। और क्योंकि इसमें विटामिन ए भी है और विटामिन सी भी है, और आपको फ़ायदा शुरू होगा 10-15 दिन के बाद। और ये जब तक जीवन है आप लिया करें, 1 बार या 2 बार आप वो भी गोली खाएं जो आप खाते हैं, और इसका भी इस्तेमाल शुरू करें, आपको फायदा शुरू होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, मेरी मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे सर के बाल बहुत झड़ते हैं। 58 एज क्या है आपकी? जी देखिए, सर के बाल झड़ने के लिए आसान इलाज है, आप चाहें तो कर सकते हैं। एक नारियल पानी रोज पिए, रोज़ाना एक नारियल पानी है। मैं भी पीता हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस नारियल पानी में गौन मोरिंगा, सफ़ेद सफ़ेद वाला गौन मोरिंगा आधा ग्राम डाल लीजिए और रोज़ एक नारियल पानी पीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, हिमाचल से हैं सुरेश कुमारी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, मैं सुदेश कुमारी हूँ। मुझे पाइल्स है जी, जी कौन सी? पाइल्स है मेरे को ना जी। वो ये बताइए कि आपको खूनी है या बादी पाइल्स है या चाइनीज है? कभी कभी तो ब्लड गिरता है ना, कभी कभी गिरता है, रोज नहीं। ठीक। अच्छा देखिए, एक नुस्खा बना लीजिए अपने हाथ से। सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, ये अब तो आपके किचन से ही मिल जाएंगे। और एक चीज़ लेनी पड़ेगी, जैतून का नमक। नमक जैतून या रसायन जैतून भी कहते हैं इसे, एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। 100 ग्राम ये लें और 200-200 ग्राम बाकी दवाएं लेकर पाउडर बनाएं। आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाया करें, खाने से पहले बेहतर है, खाने के बाद भी ले सकते हैं, पानी के साथ लें तो फायदा मुमकिन है। बात अगले कॉलर से, पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रही हैं? बीकानेर से। बीकानेर से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे ना घुटनों में दर्द रहता है, तो इसके लिए एक तो काला गोंद बताया था, यही पूछना क्या क्या इसमें मिलाना है घुटनों के दर्द के लिए। और देखिए, दूसरा सवाल मेरा आंखों की कमजोरी। हेलो। और भी कोई बीमारी हो तो बता दीजिए। हाँ जी, आंखों की कमजोरी। अच्छा, एज आपकी? मेरी एज 70 है। अच्छा, इस उम्र में आंखें कमज़ोर होती हैं। और मैं आपको वैसे एक ऐसा नुस्खा बता देता हूँ जो आपकी आंखों के साथ आपके जोड़ों के दर्द को फ़ायदा करे। देखिए, सौंफ लीजिए, 200-300 ग्राम सौंफ ले लीजिए और इसको पाउडर बना के रख लीजिए। और जब आप ये गौंद स्याह लें, असली लेना, नकली बहुत मिलता है, और एक चुटकी या दो चुटकी खाएं,
वो फिर बाद में सौंफ अलग पिसी हुई होगी ना पाउडर, वो 1 चम्मच वो खाएं और पानी पी लें दिन में, ये 2 मरतबा करें। और डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ पर नियंत्रण करें और आपकी आंखों को फायदा मुमकिन है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। जी तोमर जी बताइए। हाँ हकीम साहब से एक निवेदन करना जी। तोमर जी आदाब बताइए। आदाब आदाब साहब, मैंने वो व्हाट्सएप भी किया था साहब, निवेदन ये कर रहा था कि मुझे अगस्त सितंबर में एक फुंसियां पैरों पर होती हैं, उसमें कुछ पानी भी हो जाता है, थोड़ी एलर्जिक बताई है किसी डॉक्टर ने तो साहब, तो इसका क्या निदान हो सकता है सर? क्या उम्र है तोमर साहब आपकी? मैं 65 है सर। ठीक है, हाँ हो सकता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद रोज़ाना आधा ग्राम पानी में मिलाकर आप पी लिया करें, आधा ग्राम। ये रॉ मटेरियल लेना और सफ़ेद वाला लेना, लाल वाला मत लेना। आधा ग्राम पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर नेहा जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैम बोलिए। हकीम साहब से बात हो रही है ना? हाँ जी 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 आदाब नेहा जी, आदाब। हाँ हाँ नमस्कार गुरु जी। मैं ये हकीम साहब, एक तो मेरे हेयर फॉल की बहुत बीमारी है, सारे बाल झड़ गए बिल्कुल गंजी होगी, एक मेरी आंखों में भी बहुत पानी जा रहा है, दुखती है, देखना भी कम हो रहा है, 50 मेरी एज है, और एक मुझे कब्ज की कॉन्स्टिपेशन बहुत शिकायत रहती है, अगर कुछ लेती हूँ तो थोड़ा बहुत होता, नहीं लेती तो कुछ नहीं होता, मैं आपका नुस्खा ले लेती हूँ तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, नहीं कुछ नहीं होता जो आप बताते हो टीवी में सुन के। एक तो आपको आंखों की परेशानी और दूसरा क्या बताया था इन्हें, कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत है। कॉन्स्टिपेशन और एक और बात बताई थी जी, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आँख की समस्या है और बालों की बालों दिक्कत। बालों जी ठीक है। देखिए एक दवा मैं बताता हूँ आपको, तीनों परेशानियाँ में फ़ायदा मुमकिन है, आप समझ लें दवा क्या है। देखिए आंवला लीजिए 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम। देखिए आंवला आंवला बालों के लिए है और मेथी कॉन्स्टिपेशन के लिए है, कॉन्स्टिपेशन के लिए है, और आंवला बालों के लिए, मेथी कॉन्स्टिपेशन के लिए, और सौंफ आँखों के लिए। तो सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, और ये मेथी 200 ग्राम, और एक आता है ये कहते हैं जैतून का नमक, ये सॉल्ट है लेकिन नमकीन नहीं होता ये, इसे रसायन भी कह सकते हैं, जैतून का रसायन या एस्टेक जैतून, ये 100 ग्राम ले लें, देखने में नमक की तरह होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, आपकी तीनों समस्याओं का निदान मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है चेतन जी, स्वागत है आपका। पत्नी की एलर्जी है। पत्नी की एज बताएंगे क्या आप? 32। आप हैं क्या लाइन पे? एलर्जी दो तरह की होती है, एक तो जिस्म पे खुजली वगैरह दाने निकलते हैं, एक होती है खांसी बलगम छींके। कौन सी एलर्जी है? ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। हाँ देखिए बहुत आसान इलाज है, कलौंजी का नमक आता है, कलौंजी जो हमारे किचन में होती है इसका एक रसायन आता है जिसको नमक कलौंजी कहते हैं, आसान लैंग्वेज में नमक कलौंजी आसान भाषा में कहते हैं। ये 100-200 ग्राम खरीद लें और ये 1 या 2 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर उनको पिलाया करें, दिन में 1 बार या 2 बार, ज़्यादा है तो 2 बार, कम है तो 1 बार रोज़ाना पिलाया करें, उनकी एलर्जी उनके पूरे बॉडी से रुखसत हो सकती है। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो
हाँ जी जी लता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? पंजाब अमृतसर से। मेरा आपका सवाल क्या है? सवाल ऐसे है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे स्टेंट पड़े हुए हैं, तो मेडिसिन तो मैं लेती हूँ। मेरे को एक तो नींद बहुत कम आती है, एक मेरे को गैस की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज गैस रहती है, नींद नहीं आती रात। हाँ लता जी, देखिए खूब ख्याल रखा करिए अपना। स्टंट पड़े हुए हैं यानी एक से ज़्यादा हैं। मैं एक ऐसा नुस्खा आपको बता रहा हूँ जो आपके ये तीनों काम करेगा। नींद खूब आएगी आपको और खूब गफलत की नींद आनी चाहिए हर आदमी को, यानी बिल्कुल खो जाए और उसे कोई टेंशन ना रहे, सुकून मिले दिमाग को। और डायबिटीज़ भी कंट्रोल होनी ज़रूरी है। और जो भी दवा आप ले रहे हैं वो लेते रहें। और एक सिरका ऐसा है कि जो हर हार्ट पेशेंट को लेना चाहिए, हर डायबिटीज मरीज को लेना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, स्टंट पड़ने से रोकता है, और जिनके स्टंट पड़ गए हैं वो फिर से 2 4 6 साल बाद फिर से उसमें खराबी आती है, तो ये उस खराबी को रोकता है। जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिला कर लें, आपकी ये तीनों समस्याओं का फायदा मुमकिन है। बीकानेर से नेक्स्ट कॉलर पुष्पा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरी समस्या है घुटनों का दर्द, कब से तकलीफ है? हो गया 2 2 साल। एज क्या है आपकी? मेरी एज 70 है। 71? नहीं, 70 70। 70? हाँ जी ठीक है। ठीक है, 1 साल कोई बात नहीं। आप देखिए, इस उम्र में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें इसके लिए दो चीज़ें बताता हूँ। या तो आपको गौंद स्याह असली मिल जाए, गौंद स्याह मतलब काला गौंद, ये नकली काफ़ी मिलता है। असली मिल जाए तो खाली 100 200 ग्राम खरीद लें, सुबह शाम आधा आधा ग्राम या उससे कम ही लें, ज़्यादा ना लें बिल्कुल। तो ये 100 200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपकी समस्या को हल कर सकता है। या फिर असली लेना, मिले तो असली लें, नहीं तो फिर आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर, सुबह शाम एक एक लें। और देखिए, अगर आपको 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3 4 महीने लगातार खाना, ताकि आपका सारा जीवन निरोगी रह सके। जी, जयपुर से अगले कॉलर हैं आशुतोष जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार, आशुतोष बोल रहा था जयपुर से। नमस्कार, बोलिए। मैम हमारी बेगम है, उनका खून की कमी रहती है, तो हकीम साहब से जानना चाह रहे थे कि उसको कैसे दूर कर सकते हैं। कितनी आयु है उनकी? 36 साल। 36 साल, ठीक है। तो देखिए, बड़ा अच्छा एक नुस्खा है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें। यह आता है आपका गौंद मोरिंगा, सफ़ेद सफ़ेद गौंद मोरिंगा, सफ़ेद वाला ही लेना, इसमें लाल वाला नकली होता है। तो सफ़ेद गौंद मोरिंगा आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, या आप अगर बेर कर सकते हैं तो नारियल पानी में मिलाकर एक बार रोज़ाना इन्हें दिया करें। आपके पत्नी के ज़रूरत के मुताबिक ब्लड होने लगेगा और आप वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते।